आज के समय में हिंदुस्तान में भी फेंगशुई का काफ़ी ज़्यादा चलन तेज़ी से चल पड़ा है। हर कोई फेंगशुई के आधार पर अपना जीवन जीने की कोशिश भी करता है। कई बार आपने देखा होगा, हम अपने घर से साज सजावट से लेकर तमाम छोटी छोटी चीज़ों को सीधे तौर पर फेंगशुई और वास्तु के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो ये सच भी है, अगर हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को वास्तु के अनुसार या फेंगशुई के अनुसार नकार देते हैं तो हमें दिक्कत और परेशानी का सामना भी ज़िंदगी में ज़रूर करना पड़ता है। आज हम आपको अपनी इस खास और स्पेशल रिपोर्ट में बताने वाले हैं कि विंड चाइम अगर आपके घर में लगी हुई है तो उसको कैसे कैसे और कहां पर उसको आप लगा सकते हैं और जो आपके लिए शुभ होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपनी घर की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए अपने घर में विंड चाइम का इस्तेमाल करते हैं। देखने में ये जितनी खूबसूरत होती है इतनी भी ये कहीं ना कहीं फेंगशुई के आधार पर जोड़ी गई है। तो आपको आज हम बताते हैं कि आखिर इसका उचित स्थान क्या होता है। आपको बता दें, अगर साउथ वेस्ट दिशा में स्टोर रूम, टॉयलेट और किचन है तो यहाँ फेंगशुई के अनुसार मेटल की विंड चाइम लगाना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। वहीं फेंगशुई के अनुसार घर में अगर विंड चाइम लगाते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि कोई भी इसके नीचे से ना गुजरे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं फेंगशुई की माने तो घर में विंड चाइम ऐसे लगाएं कि इसके नीचे कोई भी कभी भी नहीं बैठना चाहिए, यानी कि ऊपर लटकी हुई विंड चाइम के नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। वहीं फेंगशुई एक्सपर्ट्स के अनुसार 6, 7, 8 या 9 रॉड वाली विंड चाइम घर के अंदर लगाना काफ़ी ज़्यादा शुभ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है। वहीं 7 और 8 रॉड वाली विंड चाइम को घर में लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल भी मिलता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।